हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नोबल ग्राफिक्स यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है शहबाज हाशमी। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। गाइस, आज है हमारे कोरल ड्रॉ सॉफ्टवेयर की क्लास और आज हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स के बारे में। गाइस, शॉर्टकट्स क्या होते हैं? शॉर्टकट्स वो होते हैं जिनके जरिए से हम अपने वर्क फ्लो को आसान बनाते हैं और जल्द से जल्द अपने काम को पूरा करते हैं और हम बिगनिंग लेवल से इंटरमीडिएट लेवल पे चले जाते हैं। वैसे तो मिथ है गाइस के शॉर्टकट्स को याद करना बहुत ज़्यादा टफ होता है, बहुत मुश्किल होता है और इनको परफॉर्म करना तो और ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। बट फैक्ट्स ये हैं कि शॉर्टकट्स को याद करना बहुत ज़्यादा आसान है और इनको परफॉर्म करना उससे भी ज़्यादा आसान है। और उसका तरीका यही है कि जितना ज़्यादा हम शॉर्टकट्स को इस्तेमाल करते हैं उतने ज़्यादा हमारी प्रैक्टिस होती है और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होती है उतना ज़्यादा जल्दी हम इसको सीखते हैं। बेसिकली मैं अपने वर्क में ज़्यादातर काम शॉर्टकट से ही करता हूँ और जिससे मेरा वर्क बहुत फास्ट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास में। गाइस, ये हमारा वर्क पेज और आज हम जिन शॉर्टकट्स की बात करने वाले हैं उनमें सबसे पहले हम उन शॉर्टकट्स की बात करेंगे जो कि यूनिवर्सल है। अब यूनिवर्सल शॉर्टकट्स क्या होते हैं? जो कंप्यूटर में सभी तरह के ऑपरेशन में यानी कि सभी तरह के सॉफ्टवेयर में वही शॉर्टकट इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कंट्रोल सी से कॉपी होता है, कंट्रोल वी से पेस्ट होता है, कंट्रोल एक्स से कट होता है और कंट्रोल एन से कोई फाइल ओपन होती है। तो उन्हीं शॉर्टकट को पहले समझेंगे ताकि आपको पता चले कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं और आगे जो हम शॉर्टकट के बारे में बात करेंगे वो आपको आसान लगेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कंट्रोल एन से। गाइस, कीबोर्ड से जैसे हम कंट्रोल प्लस एन प्रेस करते हैं एक डायलॉग बॉक्स खुलता है डॉक्यूमेंट्स का। इसके बारे में हम पिछली क्लासेस में बता चुके हैं, तो जिन्होंने अभी पिछली क्लासेस हमारी नहीं देखी हैं वो उन क्लासेस को ज़रूर देख लें ताकि आपको आगे आने वाली क्लासेस में ज़्यादा डिफिकल्टी ना हो और आप आसानी से इसको समझ सकें, इसको सीख सकें और एक अच्छे डिज़ाइनर बन सकें। तो इससे न्यू डॉक्यूमेंट का डायलॉग बॉक्स खुला, इससे हम अपना डॉक्यूमेंट उसको क्रिएट कर सकते हैं। इसको हम यहाँ से कट कर देते हैं। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है, तो कंट्रोल एन से नई फाइल लेने का ऑप्शन था, कंट्रोल ओ से होता है ओपन। तो ओपन के लिए जैसे हम कंट्रोल ओ करते हैं तो हमारी वो फाइलें खुल जाती हैं जिन पर हमने काम किया होता है। कंट्रोल एन और कंट्रोल ओ में क्या फ़र्क है? कंट्रोल एन से हम न्यू डॉक्यूमेंट लेते हैं, कंट्रोल ओ से जिन पर हम काम कर चुके होते हैं वो फाइलें ओपन होती हैं। इसके बाद गाइज आता है हमारा कंट्रोल आई, आई से होता है इम्पोर्ट। जैसे हम कंट्रोल आई प्रेस करते हैं कीबोर्ड से तो हमारा फिर एक डायलॉग बॉक्स खुल जाता है। कंट्रोल आई और कंट्रोल ओ में क्या फर्क है गाइस? कंट्रोल ओ से हम सिर्फ कोरल ड्रॉ की फाइल ओपन करते हैं और कंट्रोल आई से हम जेपेग, पीडीएफ, पीएनजी और इसके साथ साथ हम आपको और फॉर्मेट दिखा दें। इसमें इतने सारे फॉर्मेट हैं, हम इनमें से किसी भी फाइल फॉर्मेट की फाइल को इंपोर्ट कर सकते हैं। इसको हम कैसे करते हैं? इसके बाद हमारा आता है कंट्रोल ई। कंट्रोल ई क्या होता है? जैसे कि आई से इंपोर्ट होता है वैसे ई से एक्सपोर्ट होता है। इसको समझने के लिए आप अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर देखते हैं। ये हमने कोई आर्टवर्क लिया, रेक्टेंगल लिया, इसको हमने येलो से फिल कर दिया। हम चाहते हैं कि ये हमारा जो आर्टवर्क है एज अ जेपेग, पीएनजी, पीडीएफ जो ऑप्शन कंट्रोल आई में थे इंपोर्ट करने में उसी तरह से उन्हीं ऑप्शन के साथ यानी कि उसी फाइल फॉर्मेट के साथ ये एक्सपोर्ट भी हो सके। इंपोर्ट करने के तो कंट्रोल आई था, एक्सपोर्ट करने के लिए कंट्रोल ई। जैसे ही इसको हम सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने बाद कंट्रोल ई, ई फॉर एलिफेंट जैसे प्रेस करेंगे तो हमारे पास डायलॉग बॉक्स खुल गया। इसमें हमारे पास क्या? एक्सपोर्ट का डायलॉग बॉक्स खुला है। अगर हम चाहें तो इस फाइल को आप देख लो, यहाँ पे बहुत से फॉर्मेट आ गए, इनमें से किसी भी फॉर्मेट पे सेव कर सकते हैं। जिन फॉर्मेट से हम इंपोर्ट कर सकते हैं उन्हीं फॉर्मेट में हम सेव भी कर सकते हैं। लॉट्स ऑफ ऑप्शंस हैं और मेरे ख्याल से कोरल ड्रॉ में इनफ ऑप्शन है। इसके अलावा कोई ज़रूरत होती नहीं है किसी भी और फॉर्मेट में सेव करने की, ठीक है। इसे आप जी आई एफ वगैरह में भी सेव कर सकते हैं, फोटोशॉप की फाइल भी सेव कर सकते हैं, इसमें आप पी एन जी वगैरह सब बना सकते हैं, ठीक है। तो गाइज ये था हमारा एक्सपोर्ट का ऑप्शन, एंटर कर देते हैं इसको। एक्सपोर्ट के बाद एक ऑप्शन और आता है, वो होता है प्रिंट। प्रिंट का भी हमें बहुत यूज होता है। एक्सेल और वर्ड अगर आपने चलाया हो माइक्रोसॉफ्ट का,
तो उसमें कंट्रोल पी करने से हमारा पेज जो होता है वो प्रिंट के लिए रेडी हो जाता है। तो इसमें भी सेम वही की है, जब हम कोई एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, रेक्टेंगल ले लिया हमने और उसमें हमने कलर भर दिया, और जैसे ही हम इसको सिलेक्ट करके या बगैर सिलेक्ट करने कोई ऑप्शन नहीं, प्रिंट जो होता है वो पेज के साइज़ के अकॉर्डिंग प्रिंट होता है। मान लीजिए कि यहाँ पे आपने ऐसे A4 लगा हुआ है तो ये A4 को प्रिंट करेगा, और A5 लगा तो A5 को प्रिंट करेगा। ठीक है, तो हम A4 लगा रहे हैं, तो इसको हमें प्रिंट करना है। जैसे हम कंट्रोल पी करेंगे, कंट्रोल पी से प्रिंट का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। इसमें हमारे पास कई सारे ऑप्शन आते हैं, फुल इम्पोर्ट किस तरह से किया जाता है, एक्सपोर्ट किस तरह से किया जाता है, और इसको प्रिंट करना हो तो प्रिंट करने के हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, कितना पार्ट प्रिंट होने के लिए भेजा जाता है। तो उसके लिए एक अलग से हम क्लास रखेंगे। अभी फिर हम आपको शॉर्टकट्स बता रहे हैं। तो कंट्रोल पी से ये प्रिंट का डायलॉग बॉक्स खुल जाता है, यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, अब कैसे कर देते हैं सर। इसके अलावा हमारा कंट्रोल एस से सेव का होता है, जैसे हम कंट्रोल एस करते हैं तो हमारा सेव का डायलॉग बॉक्स खुल जाता है। ये सिर्फ वन टाइम का होता है, एक बार आपने इस फाइल को सेव कर दिया, उसके बाद जितनी बार आप कंट्रोल एस करेंगे तो वो फाइल सेव ऑटोमेटिक होती रहेगी। आपको बार बार यहाँ फाइल नेम नहीं देना, लोकेशन नहीं देनी, बार बार नहीं देना, सिर्फ एक बार वन टाइम का होता है। बस आपने एक बार उसको फाइल नेम और उसकी लोकेशन दे दी तो वो उसी जगह पर उसी डेस्टिनेशन पर ऑटोमेटिक सेव होती है। ठीक है, इसी तरह से कंट्रोल शिफ्ट एस होता है, ये होता है सेव एस का। मान लीजिए आप कोई फाइल ओपन कर रहे हैं और फाइल पे आप काम कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि वो फाइल जहाँ तक आपने काम कर लिया वहाँ तक वो सेव रहे, इसके बाद हम कुछ और काम करना चाहते हैं उसमें, और उसके लिए हम एक नई फाइल लेना चाहते हैं उसी फाइल को। इसका एग्जांपल इस तरह से समझिए, और कि मान लीजिए आप कोई फाइल पे काम कर रहे हैं, आपने कोई कार्ड बनाया और उस कार्ड को बनाने के बाद आपने वहाँ पर एडिटिंग कम्प्लीट कर ली। अब आप चाहते हैं कि वो फाइल तो रहे, साथ साथ एक प्रिंट के लिए एक अलग से फाइल बनाएं, तो आप वहाँ पे कंट्रोल एस करके पहले उसको सेव कर लेंगे, उसके बाद प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट एस। ये होता है सेव एज, यानी कि वहाँ तक पुरानी वाली फाइल तो वहीं तक सेव रहेगी, अब आप सेव एज करेंगे तो ये फाइल एक नई फाइल के तौर पे सेव हो जाएगी। तो गाइस ये रहे हमारे यूनिवर्सल शॉर्टकट्स, जो कि कोरल ड्रॉ में भी सेम काम करते हैं जैसे कि बाकी सॉफ्टवेयर में काम करते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने थोड़े से और एडवांस लेवल की तरफ, जिसमें सबसे पहले हम जानेंगे अलाइनमेंट कैसे की जाती है। हमने एक ऑब्जेक्ट ले लिया, एक स्क्वायर ले लिया हमने, इसका कलर कर दिया हमने रेड। ठीक है, रेड कलर कर दिया, और एक और हमने स्क्वायर लिया और उसका कलर कर दिया हमने ब्लू। हम चाहते हैं गाइस रेड वाला ब्लू वाले के अकॉर्डिंग टॉप से अलाइन हो जाए, यानी कि अगर हम एक रूलर लेके इसको देखें तो ये जो लाइन आ रही है, हम चाहते हैं रेड वाला भी ब्लू वाले तक अलाइन हो जाए, यानी कि इसको ऊपर तक यहाँ तक अलाइन हो जाए, यहाँ पे आ जाए। हम चाहे तो उसको मैनुअली हाथ से करें, बट मैनुअली हाथ से करने में कभी सही आता भी है रिजल्ट, कभी सही नहीं भी आता। थोड़ा बहुत अगर ऊपर हो गया, मान लीजिए अभी देखिए ये इतनी स्पेस है, और उसमें देखें ब्लू वाले में, ब्लू वाला इसके अप है, इस लाइन के रूलर वाली लाइन के ऊपर है, तो वो तो एग्जैक्ट हुआ नहीं। उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम अपनाते हैं शॉर्टकट। शॉर्टकट्स में हम क्या करेंगे, पहले इसमें दोबारा नीचे लेके आते हैं। कोरल ड्रॉ सॉफ्टवेयर में एक बात बहुत ही अच्छे से ध्यान रखिएगा और हमेशा के लिए ध्यान रखिएगा कि जब हमें किसी ऑब्जेक्ट को चेंज करना होता है या मूव करना होता है, तो जिस ऑब्जेक्ट को मूव करना है उसको पहले सिलेक्ट किया जाता है, और जिसके अकॉर्डिंग करना उसको बाद में सिलेक्ट किया जाता है। उसको एग्जाम्पल समझते हैं, मान लीजिए हमें इस रेड को मूव करना है, यानी कि ऊपर लेके जाना है इसके अलाइन टॉप के अलाइन में, तो पहले हम रेड को क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे पिक टूल से, उसके बाद शिफ्ट प्रेस करके दूसरे वाले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, और जैसे ही हम टॉप के लिए टॉप अलाइन करना ना टी दबाएंगे, टी फॉर ट्रांसपेरेंसी, तो जैसे ही इस पर टी प्रेस करेंगे ये ऑटोमेटिकली टॉप से अलाइन हो जाएगा। ये बिल्कुल 1 mm का भी हजारवां हिस्से को अलाइन कर देता है, तो ये बहुत काम की चीज़ है। टॉप से अलाइन करने के लिए हमारे पास टी है, टी फॉर ट्रांसपेरेंसी। इस तरह से मान लीजिए ये रेड है हमारा और ये हमारा ब्लू, हम चाहते हैं कि ब्लू के बॉटम से अलाइन हो जाए। जैसे मैंने पहले बताया कि इसको अलाइन करना, इसको मूव करना, उसको पहले सिलेक्ट करेंगे। इसको हमने सिलेक्ट किया रेड वाले को, और हम चाहते हैं कि और ब्लू के बॉटम से अलाइन हो जाए, तो बाद में शिफ्ट दबा के ब्लू को सिलेक्ट किया। अब जैसे ही हम बॉटम के लिए बी दबाएंगे, बी फॉर बॉटम, तो बॉटम से अलाइन हो जाएगा। ये हो गया हमारा टॉप और बॉटम। अब हम चाहते हैं ये जो हमारा ब्लू वाला पार्ट है ये इस रेड के राइट से अलाइन हो जाए, यानी कि जो राइट साइड है इससे बिल्कुल अलाइन हो जाए, इसकी राइट का एजेस और रेड का राइट का एजेस
सकते हो। तो पहले हम जिसको मूव करना उसको सिलेक्ट करेंगे एक बार, उसके बाद शिफ्ट प्रेस करके जिसके अकॉर्डिंग करना उसको सिलेक्ट करेंगे। राइट के लिए होता है हमारा ऑप्शन आर, जैसे हम कीबोर्ड से आर प्रेस करेंगे उसके राइट अलाइन हो जाएगा, कंट्रोल जी। इसी तरह से अगर हम लेफ्ट के अलाइन करना है तो पहले इसको हम सिलेक्ट करेंगे जिसको हमें मूव करना है, उसके बाद उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे जिसके अकॉर्डिंग करना है, एल प्रेस करेंगे तो हमारा ये लेफ्ट से अलाइन हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा टॉप बॉटम राइट एंड लेफ्ट। अब बारी आती है हमारे सेंटर की, हम पहले अपने उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, बाद में जिसके अकॉर्डिंग करना उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, और जैसे ही हम सी प्रेस करेंगे तो ये इसके सेंटर में अलाइन हो जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली है, जो सेंटर में अलाइन होगा ये वर्टिकली अलाइन होगा, हॉरिजॉन्टली अलाइन नहीं होगा। मान लीजिए इसको हम रोटेट कर दें, ठीक है, और ये यहाँ पे लिया है इसको नीचे थोड़ा सा दूर, ठीक है, इसको हमने कहीं भी रख दिया, ठीक है। हम चाहते हैं ये जो हमारा ब्लू वाला है ये इसके सेंटर से अलाइन हो जाए, इसके इस रेड वाले के सेंटर से अलाइन हो जाए। अगर अब हम पहले इसको सिलेक्ट करेंगे, बाद में रेड को सिलेक्ट करेंगे, और जैसे ही सी प्रेस करेंगे तो ये वर्टिकली अलाइन होगा, हॉरिजॉन्टली अलाइन नहीं होगा। कैसे वर्टिकली अलाइन होगा, जैसे हम सी प्रेस करेंगे ये देखिए वर्टिकली अलाइन हो गया, ठीक है। और अब हमें हॉरिजॉन्टली अलाइन करने के लिए क्या प्रेस करना पड़ेगा, कौन सा शॉर्टकट है, उसके लिए शॉर्टकट है ई, ये आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। बाकी शॉर्टकट से जैसे टॉप के लिए टी था, बॉटम के लिए बी था, सेंटर के लिए सी है, और लेफ्ट के लिए एल है, आर के लिए राइट है, बट हॉरिजॉन्टली अलाइन के लिए ई है, ई फॉर एलिफेंट। जैसे हम ई प्रेस करेंगे कीबोर्ड से ये इसके हॉरिजॉन्टली अलाइन हो जाएगा, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि ये पेज के अकॉर्डिंग सेंटर अलाइन हो, ये कहीं भी हो, बट ये सीधे के सीधे हम एक की प्रेस करें और डायरेक्ट ये इसके पेज के सेंटर में चला जाए, उसके लिए क्या की है, उसके लिए शॉर्टकट्स की है टी, टी फॉर पैरेट, ठीक है, टी फॉर पोटैटो। तो जैसे ही हम उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके पी प्रेस करेंगे ये हमारे वर्किंग पेज के बिल्कुल सेंटर में चला जाएगा, ठीक है। गाइस और कुछ शॉर्टकट्स हैं जिनके बारे में आप जानते ही होंगे, जैसे कि मैंने पहले बताया कंट्रोल सी कंट्रोल वी, आई थिंक तो उनको बताने की ज़रूरत होगी आपको। कंट्रोल सी से मान लीजिए कोई चीज़ हम ऑब्जेक्ट है हमारा ये ग्रीन कलर में करा, इसको मैं कंट्रोल सी करा, और जैसे ही इसको हम कंट्रोल वी करेंगे तो इसके ऊपर कॉपी होंगे, ठीक है। कॉपी करने का गाइस एक और आसान तरीका है, हम जिस ऑब्जेक्ट को हमें कॉपी करना है उस पर एक बार क्लिक करेंगे, लेफ्ट क्लिक करके उसको जिस तरफ भी ले जाना है, जिस तरफ मूव करना हो उस तरफ ले जाके माउस के लेफ्ट बटन को छोड़ेंगे, तुरंत ही हमें अपने माउस के राइट बटन को क्लिक कर देना है, ये कॉपी हो जाएगा। इसको प्रैक्टिस करें, बहुत आसान है और बहुत ही यूज़फुल है। मान लीजिए ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इसका कलर हम अब चेंज करते हैं ब्राउन लेते हैं, ठीक है। हम चाहते हैं कि ये सीक्वेंस बाई राइट साइड में कॉपी होता चला जाए, ठीक है। तो अब हम बार बार कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी फिर कंट्रोल वी, किधर लेके आएंगे फिर कंट्रोल सी कंट्रोल वी करके फिर किधर लेके आएंगे। एक तो ये लेंदी है, दूसरी चीज़ ये कि इनके बीच की दूरी भी किसी में कम किसी में ज़्यादा, मान लीजिए इसको फिर कंट्रोल सी कंट्रोल वी करके थोड़ा सा कम करा तो ये इनके बीच की दूरी कम है। हम चाहते हैं कि ये हमारे कॉपी पेस्ट भी हो जाए, इनके बीच की दूरी भी बराबर रहे, तो उसके लिए हमें क्या करना है, इसको डिलीट करते हैं, हम अपने माउथ के लेफ्ट बटन को क्लिक करके ड्रैग करेंगे जहाँ पे हमें ड्रॉप करना छोड़ना जितनी दूरी हमें चाहिए उस पे आके हम राइट बटन को क्लिक कर देंगे माउस के, और लेफ्ट बटन को छोड़ देंगे रिलीज कर देंगे, ठीक है, कॉपी हो गया। अब हमारे पास क्या शॉर्टकट आता है हमारे पास शॉर्टकट कंट्रोल आर, आर फॉर रिपीट। जैसे हम इस पर कंट्रोल आर करेंगे तो देखिए कॉपी ऑलरेडी हो जाएगी इसकी, ठीक है। जितनी बार हम कंट्रोल आर प्रेस करेंगे इसकी कॉपी होती चली जाएगी, जहाँ तक चाहे वहाँ तक हम कॉपी कर सकते हैं, और इनके बीच की दूरी भी बराबर रहेगी। इससे अब हम और क्या क्या कर सकते हैं, आप मान लीजिए आपने ये स्ट्रिप है एक बार रोटेट की, जैसे ही दोबारा आप कंट्रोल आर करेंगे ये रोटेट होती जाएगी। कंट्रोल आर से जो कमांड आपने लास्ट टाइम दी होती है वो उसको रिपीट करता रहता है, ठीक है। मान लीजिए कि हमें एक फ्लावर बनाना है, उसके लिए क्या किया हमने इस फ्लावर को एक कॉपी किया नीचे की तरफ, ठीक है,
सिलेक्ट करके इसको एक बार हमने रोटेट किया सिंबल से, फिर आर प्रेस किया तो ये देखिए फ्लावर बन गया। ठीक है, इस तरह से बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं हमारी गाइस। नेक्स्ट आता है हमारा किसी भी ऑब्जेक्ट को फ्रंट पे लाना और बैक में ले जाना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले विंडो में जाके डॉकर में जाके ऑब्जेक्ट को करें। अब यहाँ पे हमें वो चीज़ें दिखेंगी लेयर बाय लेयर, कौन सा ऊपर है कौन सा बाहर है। ठीक है, हमने एक रेक्टेंगल लिया, रेक्टेंगल का कलर करा हमने ग्रीन, लाइट भी डार्क। ठीक है, इसके अलावा हमने एक सर्कल लिया छोटा लेते हैं, इसका कलर करते हैं रेड। ठीक है, और इसके बाद हमने एक और रेक्टेंगल लिया, अब इसको हाइलाइट करते हैं और इसका कलर हमने कर दिया ऑरेंज। ठीक है, अब तीनों में ऊपर कौन है, देखिए सबसे ऊपर ऑरेंज है क्योंकि सबसे बाद में बना है, सबसे नीचे ग्रीन है सबसे पहले बना है, और मिडिल में बना है हमारा रेड यानी कि सर्कल, तो ये मिडिल में है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं इनकी लेयर्स की पोजीशन। ठीक है, ये जो तीसरा वाला दिख रहा है ये हमारा बात का वाला है, ये वाला डिलीट होता है। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पे कि हमारे पास ये तीनों है, सबसे नीचे ग्रीन है तो ग्रीन दिखा रहा है, ऊपर हमारा इसके ऊपर एलिप्स है यानी कि ये सर्कल है हमारा, ये दिखा रहा है, और सबसे ऊपर हमारा ऑरेंज है ये जो रेक्टेंगल है। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि ऑरेंज वाला सबसे ऊपर आ जाए, उसके लिए क्या है, एक ऑप्शन तो यहाँ से पकड़ कर ऊपर करके ले आएंगे ड्रैग एंड ड्रॉप वाला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन क्या हमारा शॉर्टकट, बार बार आप ऑब्जेक्ट के पैनल को खोल के इस तरह से ऊपर लेके नहीं आएंगे, क्या है शिफ्ट पेज अप। जैसे आप करेंगे शिफ्ट पेज अप कीबोर्ड से, ये ऑटोमेटिकली सभी के ऊपर चलेगा, सबके ऊपर जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे उन सब के ऊपर चलेगा यानी कि सबसे टॉप में आ जाएगा कंट्रोल जी। अब हम चाहते हैं कि हमारा जो ये ग्रीन वाला पार्ट है ये सिर्फ रेड के ऊपर आए और ऑरेंज के नीचे ही रहे, तो उसके लिए क्या करना है हमें, अब हमें शिफ्ट प्रेस नहीं करना है बल्कि कंट्रोल प्रेस करना है, कंट्रोल पेज अप। जैसे एक बार क्लिक करेंगे आप देखिए अपने ऑब्जेक्ट के पैनल में इसमें यहाँ पे ये हमारा ग्रीन वाला रेड वाले के ऊपर आ जाएगा, कंट्रोल पेज अप, ये आ गया रेक्टेंगल। ठीक है, रेड वाले के ऊपर आ गया और ऑरेंज के नीचे ही है। तो इसी तरह से हमारा ऑरेंज वाला है, हम चाहते हैं कि ऑरेंज वाला हमारा सबसे नीचे चला जाए, तो ऑरेंज वाले को सिलेक्ट करेंगे, सबसे ऊपर है ऑरेंज वाला। जैसे ही हम शिफ्ट पेज डाउन करेंगे, शिफ्ट का मतलब या तो सबसे ऊपर या तो सबसे नीचे। ठीक है, कंट्रोल से लेयर बाय लेयर एक एक लेयर करके ऊपर आएगा, एक एक लेयर करके नीचे आएगा, पेज अप करते रहेंगे तो ऊपर जाता जाएगा लेयर के, और पेज डाउन करते रहेंगे तो पेज के लेयर के नीचे जाता रहेगा। ठीक है, जैसे हम शिफ्ट पेज डाउन करेंगे इसमें तो सबसे नीचे चला गया। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पे सबसे नीचे आ गया। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि ये हमारा रेड के ऊपर आ जाए, हम कंट्रोल से पेज अप करेंगे रेड के ऊपर आ जाएगा। हम चाहते हैं कि हमारा ग्रीन है ये इन दोनों के मिडिल में आ जाए, तो इसके लिए हमें बस कंट्रोल पेज डाउन करेंगे ये एक लेयर नीचे चला जाएगा। तो अब बात हमारी समझ रहे होंगे कि अगर आपको सबसे टॉप पे लाना है तो शिफ्ट प्रेस करके कंट्रोल पेज अप कर देंगे सबसे टॉप पे आ जाएगा, और अगर हमें सबसे नीचे लेयर पे ले जाना है तो हम शिफ्ट पेज डाउन कर देंगे तो ये सबसे नीचे जाएगा, और अगर हमें लेयर बाय लेयर जाना है तो हम कंट्रोल का इस्तेमाल कर लेंगे, कंट्रोल पेज अप करते रहेंगे तो वो लेयर बाय लेयर ऊपर चला जाएगा। इनसे कुछ और चीज़ आपको और बताएं, अगर आपको सभी को सिलेक्ट करना है एक साथ तो यूनिवर्सल है शॉर्टकट कंट्रोल ए, कंट्रोल ए से सभी कुछ सिलेक्ट हो जाता है। ठीक है, आपको पेज की स्क्रीन जितनी आपको दिख रही है आपको ये फुल व्यू पेज करना है तो आप व्यू में जाएंगे, यहाँ पे हमारा फुल स्क्रीन प्रीव्यू है, F9 प्रेस करेंगे तो हमारा फुल स्क्रीन प्रीव्यू आ जाएगा ये। ठीक है, उसके बाद कीबोर्ड में माउस से कहीं भी क्लिक कर देंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो गाइस आज की क्लास हमारी यहीं तक थी, और एक थोड़ा सा बोनस पॉइंट है आपके लिए जो लोग शॉर्टकट सीखना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो थोड़ा सा उनको और ज़्यादा शॉर्टकट्स पता चले, तो उसको उसके लिए आपको नेट पे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप कोरल ड्रॉ सॉफ्टवेयर में ही आप उसके शॉर्टकट्स के बारे में जान सकते हैं, सीख सकते हैं कैसे। आइए मैं बताता हूँ आपको, सबसे पहले आप जाएंगे टूल में ऑप्शंस में हमारे कंट्रोल जे का इसका शॉर्टकट है कंट्रोल जे। ठीक है, इसके बाद आप जाएंगे
अपीयरेंस यानी कस्टमाइजेशन में कमांड्स, कमांड्स के बाद यहाँ पे हमारे आ गए शॉर्टकट्स कीज। जैसे इस पर एक बार क्लिक करेंगे तो नीचे आ रहा व्यू ऑल, ठीक है। यहाँ से आप अपनी शॉर्टकट्स की खुद भी दे सकते हैं, आप चाहते हैं कि जो कुछ शॉर्टकट्स अपने आप से देना, किसी और पार्ट को अपने आप से शॉर्टकट देना चाहते हैं, उसको आप बार बार यूज करते हैं तो आप चाहते हैं उसका कोई शॉर्टकट बन जाए, तो वो भी आप यहाँ से दे सकते हैं और आपका एक नया शॉर्टकट बन जाएगा जिससे आपको बार बार उस चीज़ को करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि बिट मैप, आप चाहते हैं कि बार बार बिट मैप करना पड़ता है तो आपके लिए कोई अच्छा सा शॉर्टकट दे सकते हैं, जैसे शिफ्ट कंट्रोल भी दे सकते हैं जिससे वो बिट मैप आसानी से हो जाएगा। तो यहाँ से आप शॉर्टकट्स वो भी दे सकते हैं, लेकिन अगर आप व्यू ऑल पे क्लिक करते हैं तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा जिसमें आपके बहुत सारे शॉर्टकट्स लिखे हैं, ठीक है। कीस्ट्रोक में शॉर्टकट्स लिखे हैं सारे, ठीक है। उसका डिस्क्रिप्शन है क्या काम आते हैं, ये सारे के सारे शॉर्टकट्स आप यहाँ से देख सकते हैं और आसानी से उनको भी सीख सकते हैं। बट सीखने का सबसे आसान तरीका यही है कि आप उसको परफॉर्म करें, जितना ज़्यादा आप परफॉर्म करेंगे उतनी जल्दी आप सीखेंगे। और यहाँ से आप शॉर्टकट्स को CSV यानी कि वर्ड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि एक्सेल या वर्ड में, और प्रिंट भी कर सकते हैं, ठीक है। बट अभी मैं इसको क्लोज कर दे रहा हूँ। तो गाइज इस तरह से आप शुरुआत कर सकते हैं और शॉर्टकट्स को सीख सकते हैं और इसकी प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी सीखेंगे। तो मिलते हैं फिर एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए आप सभी को गुड नाइट, गुड बाय, अल्लाह हाफ़िज़।